महाराष्ट्र से जहां पर पेश किए गए बजट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रसोई गैस पर 5% सेल टैक्स लगा दिया गया है तो सेस बढ़ाने के बाद कारों की कीमत भी बढ़ा दी गई है। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत के बजट से पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए हैं। महाराष्ट्र में रसोई गैस में फिर महंगाई की आग लग गई है। सरकार ने बजट में एलपीजी पर 5% सेल्स टैक्स लगाकर रसोई गैस का बजट बिगाड़ दिया है। इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल कारों पर भी सेस 4% बढ़ा दिया गया है। हमको सिर्फ 600 करोड़ अतिरिक्त करों के चलते टैक्स आ गया, जिसमें कि जो महंगे महंगे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, मोटर गाड़ियां, उन पर कुछ कर लगाया गया है। और मैं समझता हूँ ये जब ये बात पूरी समझ आएगी तब इसका विरोध नहीं होगा। आम जनता को काफी जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जहाँ पे लोग जो है 10 से 12 हजार रुपए में अपने घर को मैनेज कर लेते थे, आज इस मतलब बजट के हिसाब से कम जो है 15 से 20 हजार रुपया लग रहा है। महंगाई बढ़ा है, फिर पगार देते हैं उसमें से भी इधर से इधर पैसा निकालते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर घर का खर्चा कैसा चलाने का, बच्चे लोग का इसमें दो फीस भरो, एक भरो, गैस का भरो, इसका बहुत प्रॉब्लम होता है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने आम लोगों को एक बड़ी राहत दी है। बजट में पेट्रोल और डीजल से वैट घटाकर 28 से 26% कर दिया गया है। गहलोत सरकार के इस बजट ने 125 सीसी स्कूटरों पर टॉप गियर लगा दिया है। इन पर वैट 8 से घटाकर 4% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20,000 टीचरों समेत 10,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की घोषणा भी की है। बजट में सड़क, शिक्षा, बिजली और पानी पर जोर दिया गया है। हमारा राजकोषीय घाटा भी कम हुआ है तथा वर्तमान में यह घाटा एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत निर्धारित सीमा में ही है। हमारे समग्र ऋण वर्ष 2005-06 में जहां सकल घरेलू उत्पाद के 47% थे, चालू वर्ष के अंत में यह 29% रह गए हैं। दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ रही महंगाई हर किसी को रुला रही है। आम आदमी तो बेहद परेशान है ही, ऐसे में अगर बजट का पिटारा खुलने के बाद भी आम आदमी को राहत न मिले तो आखिर वो करे तो क्या करे। इस समय मुंबई से नित्यानंद शर्मा के साथ जयपुर से मीना शर्मा।